हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज ना मैं एक नई तरह की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और मुझे ना कटहल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और कटहल की सब्जी और कटहल से आज मैं कोफ्ते बनाऊंगी। तो देखती हूँ, ट्राई करके फर्स्ट टाइम कटहल के कोफ्ते कैसे लगते हैं। और सीखा था मैंने किसी से, बट पहले बना के देखती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोग बताना कैसे बने हैं। और मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो अगर बिगड़ भी जाए तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम चीज़ें ऐसे ही बनती हैं। और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ट्राई करती हूँ मैं और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इसमें दो आलू लिए हैं और ये कटहल के मोटे मोटे टुकड़े करे हैं। तो ये मैं अब बॉईल करने रखूँगी कुकर में, तो दो तीन सीटी लगा दूंगी जिससे कि ये अच्छे से बॉईल हो जाए, उसके बाद मैं रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कटहल और आलू को बॉईल करने रख दिया है। और इसके बाद मैंने ना बीज धोए थे, जो खरबूज के बीज थे ना, तो वो साफ़ करे थे। तो मैंने सोचा छत पर रख देती हूँ सुखाने के लिए, काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। तो यहाँ मैंने ये रख दिए हैं, सूख जाएंगे अच्छे से। और इसके बाद मैं कर लूँगी मसाले की तैयारी, तो ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने ली है दो बड़े प्याज, लहसुन और चार टमाटर। तो ये मैंने अच्छे से धो कर के रख लिए हैं, काट करके। और मैं अब इनको पीस लूँगी, तो मैं सिलबट्टे पर ही पीसूँगी। और यहाँ मैंने प्याज वगैरह और टमाटर पीस लिए थे अलग अलग। और इसके बाद मैं ये पीस रही हूँ धनिया, और इसी में मैंने गरम मसाला भी पीस लिया है। जो खड़े गरम मसाले होते हैं वो सब मैंने, क्योंकि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें खड़े मसाले, अगर ताजी मसाला पीसा जाए तो काफ़ी अच्छा लगते हैं वो। और इधर देखिए, आलू और मेरी कटहल हो गई है बॉयल। तो यहाँ इस तरीके से आपको मैश कर लेने हैं। तो मेरे पास जो मैश करने वाला होता है वो है नहीं, मैसर, आलू मैसर जो बोलते हैं। तो मैंने हाथ से ही इसको अच्छे से मैश कर लिया है सब कुछ। और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। अब इसको अच्छे से हमें मिला देना है। तो बेसन का यूज हमें थोड़ा ही करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइट ना हो जाए, और टाइट हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे जो कोफ्ते हैं हमारे। तो हल्का सा मैंने हाथों पर लगाया है तेल, उसके बाद आप छोटे छोटे जो है कोफ्ते बना लीजिए। और यहाँ मैंने सारे बना लिए हैं, उसके बाद गैस पर रख दी है कढ़ाई। तो ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी ये कोफ्ते। तो इनको ना ब्राउन होने तक सेकना है, और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और प्लीज़ माइंड मत करिएगा, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ ना, वहाँ पर थोड़ा अंधेरा रहता है, तो लाइट तो लगी है बट लाइट की रोशनी भी इतनी तेज़ नहीं आती है, तो कुछ ऐसे ही दिखाई देता है। और यहाँ मैंने डाल दिया है ये जीरा, और इसमें डाल दिया है मैंने लहसुन प्याज। तो ये अच्छे से भुन गया है। और उसके बाद टमाटर में ही मैंने, जो टमाटर पीस कर रखा था उसमें ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया था, तो मैं आपको बताना भूल गई, इसी वजह से अब बता रही हूँ। और ये मसाला देखिए अच्छे से पक गया है। इसके बाद मैंने नमक डाल दिया था उसमें, और अब डाल दिया है पानी। तो पानी आपको अपने हिसाब से रखना है कि ग्रेवी आपको कैसी रखनी है। अगर पतली रखनी है तो पानी थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, और अगर ग्रेवी गाढ़ी रखनी तो थोड़ा कम। तो यहाँ जब पानी अच्छे से पक गया है, उसके बाद मैंने इसमें
कोफ्ते डाल दिए हैं और देखिए धीमी आग पर कोफ्ते कितने अच्छी तरह से पक रहे हैं। तो हमारे देखिए कोफ्ते का कलर देखिए कितना प्यारा आया है। थोड़ा अंधेरा रहता है ना, तो इस वजह से थोड़ा अजीब सा दिख रहा है आप लोगों को, बट जब मैं जिस टाइम बना रही थी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और आप देख सकते हैं, तो जहाँ मेरी गैस रखी है ना, वहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है, कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और हाँ, मैंने खाई थी ना, तो इतनी अच्छी लग रही थी, फर्स्ट टाइम बनाई है जिस तरीके से, तो बहुत ही टेस्टी। क्योंकि मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो में। और बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसी बनी है मेरी सब्जी, और हमें तो काफ़ी अच्छी लगी। और देखिए दोपहर हो गई है, तो हमारा जो बेटा है वो दिन भर लूडो को लेकर बैठा रहता है, यानी कि उसे खेलना आता नहीं है। कभी गोटी इधर से उधर फैलाता है, कभी भरता है, तो ये सब ही करता रहता है। और अभी कोई चीज़ जब नई आती है ना, तो बच्चे उसी से अक्सर लगे रहते हैं। और यहाँ पर देखिए हो गई है रात, तो शाम का मतलब दिन ही मतलब वो हो गया है, छुप गया है, अंधेरा हो गया है काफ़ी। और मैं उसको खाना खिला रही थी, खाना नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा नखरे करता है, थोड़ी बहुत खाता है, तो मुझे ही खिलाना पड़ता है इसी तरीके से घुमा घुमा के। और यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स बस यहीं तक का था आज का मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगती हैं मेरी वीडियो। तो मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।